जानते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और क्षत्रिय की गलती के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रियाकर्म में उस क्षत्रिय ने काम करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रियाकर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप है, पहले प्रायश्चित करो। जब इस पाप से मुक्त हो जाओगे तब हम ब्राह्मण तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने इस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा, यथाशक्ति दान धर्म करने के पश्चात ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। क्षत्रिय ने श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत धारण किया तथा श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, साथ ही दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी रात भगवान श्रीधर ने सपने में क्षत्रियो को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त किया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसे ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख को भोग कर विष्णु लोक को जाता है। साथ ही इस कामिका एकादशी व्रत की महात्म्य को सुनने और सुनाने मात्र से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।